बर्थडे आ गया, तेरा बर्थडे आ गया। चलो व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं और वो लेकर आए हैं देखो गाइस अभी हम क्या करने वाले हैं। आइए हैप्पी बर्थडे प्रणाम हैप्पी बर्थडे प्रणाम ये देखो पापा पूछ रहे हैं बर्थडे कल है नौ तारीख होगी तेरे को आज दी नौ को तेरा अप्रैल करो वैसाखी होती है मम्मी का पापा 13 जनवरी चले गए दादू को समझ में ही नहीं आया किसका बर्थडे बताओ किसका बर्थडे दादू का दादी का दादी का आपको तो हो गया दिया था हो गया नहीं वो आज अभी ना केक भी लाना है केक भी लाना है अभी तो किसकी होगी घर में आपके लिए गिफ्ट ला रही बोल क्या ला रही अच्छा क्या ला रही अच्छा क्या लेकर आ रही है अरे वहां से मिठाई का डिब्बा ले आ क्या लेकर आ रही है क्या मम्मा को कैसे गिफ्ट के ले जा रही क्या पर क्या है वो ये तो दादी को बंद कर दिया सीक्रेट सीक्रेट बोलो क्या 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 इधर बैठो चश्मा बना रहा कल बनाएंगे कल 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 को बनाएंगे अभी तो सो जाएगी ना चश्मे तो कुछ काम ही नहीं है तेरा कल दूंगी बोलो ओके दी मैं चश्मा बना रही तुम दादी के लिए बराबर मैंने अभी क्या बनाएगी कल बनाएगी अब तो रात को सो जाना है हाँ किसी को नहीं पता है देखो केक कहाँ आएगा अभी कल आएंगे चलो अरे रात हो रही है ना कल है हैप्पी बर्थडे ऐसे लग रहा पापा का बर्थडे है ऐसे लग रहा तुम मुंह में डाल रहे आप भी तो अपना मुंह में डाल रहे उसको खिलाओ हैप्पी बर्थडे टू यू चलो भी सही गाइस बड़ों को नमस्ते पहला छोटे को बहुत सारा प्यार तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शॉप से क्योंकि हम लोग टाइम पर शॉप आ गए थी वो और मैं थोड़ी देर पहले ही आए हैं इवन मतलब अभी 1 बजे की शॉप पे काम था बहुत पार्सल पैक भी करने थे क्योंकि कल हमारा ऑफ था सैटरडे और आज संडे है तो दीवी का भी ऑफ है स्कूल बाकी आपने देखा होगा हमारा ब्लॉग जो है वो रात से शुरू हो गया था 12 बजे से क्योंकि आज आपको पता ही मेरी सासू माँ का बर्थडे है आपने देखा होगा ब्लॉग के थ्रू भी बोल देते हैं उनके हैप्पी बर्थडे मम्मी हम रात को उनको विश करना चाहते थे क्योंकि दीवीरा बहुत एक्साइटेड थी काफी टाइम से कि दादी का बर्थडे उसको याद रहता है कि मतलब किसका बर्थडे आ गया किसका नहीं आया तो उसे ये था कि सबका तो आ चुका है दादी का कब आएगा तो रात से ही उसको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गई थी क्योंकि उठी थी 12 बजे तो हम बोलता चलो मम्मी को
हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अभी शाम को बाकी आप देखोगे कि शाम को क्या करेंगे, मतलब केक कट वगैरह होता है और क्या सिंपल प्रोसेस। अभी तो अपना काम कर लेते हैं, जो डेली का काम है हमारा, लंच वंच बन चुका तो वो होगा बाद में करेंगे। पहले शॉप का बहुत सारा काम है, यहाँ पे बहुत फैला भी है। मैं ये काम करी और सचिन यहाँ पे पार्सल वार्सल पैक कर रहे थे, वो ये काम कर रहे और बाकी दीपू को अपने काम पे लगा रखा है हमने, तो बाकी मैं करती हूँ ये वाला काम। हे गाइस, तो मैं सीधे आप लोगों से ना घर पे मिल रही हूँ और हमारा ना बहुत ज्यादा शॉप पे काम हो गया था, आपने देखा होगा, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई आप लोगों से। फिर इवन लंच करने भी हम लोग 6 बजे ही आए, वो तो अच्छा हुआ कि दीदी के लिए हम वहीं पे ले जा रखे थे, कुछ 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 उसने खा लिया। 6 बजे आके फिर हमने खाना वाना खाया तो इसलिए हम शूट भी नहीं कर पाए। अभी सचिन घर आए तो फोन लेकर आए वो, मैंने कहा चलो व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं। और वो लेकर आए हैं, क्या लेकर आए पापा आपके, ये देखो क्या है आज दादी का बर्थडे। तुम ये प्लेट लेके क्यों घूम रही हो? मोमो खाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आ चुके हैं मोमो, मोमो खाएंगे सब लोग। ये देखो इसने सारी प्लेट लगा दी हैं, निकालो अब। आप कितने मोमो खाओगी? ये दीप्ति लग गई अपने काम में, इसको एक काम और पसंद है, सर्व करने का। नहीं, पसंद अच्छा लगता था पहले बांटना खाना है? पहले जब मैं कर सकती थी, जैसे कहीं भी जाओ कथा कीर्तन हो गया तो मैं खाना बांटूंगी। जब से मेरा कमर में दर्द होगा चौड़ेंगे नहीं कर सकती, तब से नहीं होता है, कुछ नहीं होता। बर्थडे कर ला तू आज, बर्थडे बढ़िया है। हमारी मम्मी को आप सब विश कर सकते हो, बोल लीजिए हैप्पी बर्थडे बड़े को दीपू को, किसी कर रही हो। ताऊ जी का बर्थडे भी है? कौन सा ताऊ जी का? ऐसा ऊपर आलू का कल है। ओहो, वो देखो अच्छा गरम है, मम्मी का मुंह जलने वाला चाहिए। ये है आपका, कितने चाहिए आपको? थ्री दे दो। ये देखो दीप्ति ने लगा दिए प्लेटें, ये देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, तो प्लीज खरीदिए मोमो और खा के एंजॉय कीजिए। ये देखो मेरे गर्म गर्म मोमो, दीपू को देखो मुंह में कैसा पानी आ रहा है उसके। मम्मी के ना वैसे ना तबियत थोड़ी खराब रहती है, पर मोमो खाने में ठीक रहती है। इतना छोटा बच्चा मोमो खाते हुए देखा, ये देखो देखो मेरी वीडियो पर बनाना। ये मोमो का ना खाली बाहर बाहर का खाती है, देखो अंदर का ये रहा बाहर बाहर का खाती है। वो देखो दादी ने तो पेल भी दिया। तो गाइस हम सब ने मोमो खा लिए, पर एक बंदे को बहुत ज्यादा मोमो मिले थे, वो ये रही। वो अभी तक खाई रही, वो अभी तक खा रही है। देखो तुमने कितने मोमो खाए? 3 बड़े बड़े थे क्या? बहुत अभी तक खा रहे हो? केरी पापा मैंने मोमो नहीं लाया, मैं आइडिया दूसरी जगह चलाते हैं। तो गाइस तो डिनर हो चुका है हमारा और आपने देख लिया मोमो मोमो तो खा लिए हमने और डिनर भी हो चुका है सबका, 10 बज चुका है। और तो यहाँ पे आया हुआ है केक, ये देखिए। तो ये केक है जॉय बेकर्स का, आपने देखा ये जॉय बेकर्स को, हम हर बार जाते हैं वहाँ पे। और इसमें क्या लिखा हुआ है दीपू? दादी और दीपू क्या माइक लेके क्यों बैठ गई वहाँ पे, क्या करने वाली हो? हैप्पी बर्थडे गाने वाली हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, चॉकलेट खा रही है। मामा कैसा लगा बर्थडे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो इनको खाने दो, एंजॉय करो, तुम भी करो एंजॉय। और देखो मुंह में, चलो हम भी खा लेते हैं।
हैप्पी बर्थडे दादी। जल्दी से पहाड़ी गाना आप क्या करें? आएगी आइसक्रीम, आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम आ गई। कौन सी खाओगी? दीप्ति का मन चाहिए। थैंक यू सो मच वाडीलाल फ्रूटफुल। ये लो प्लेट। खाने के लिए बोला, अगर नहीं बोलूंगी नहीं खा दीवू। दीवू मत खा, मत खाओ दीवू, ठंडी है। सबके सब आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। मेरी नहीं पिघलती, मेरी नहीं पिघलती। ये खा रही कुल्फी और मैं खाऊंगी वाडी लाल फ्रूटफुल। देखो ऐसे सेलिब्रेट करा हमने अपनी मम्मी का। दीवू ने करा ये तो सेलिब्रेशन। दीवू लो ना प्लीज खा लो ना। ये तो लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। गर्मी की पहली आइसक्रीम है ये, आज आइसक्रीम पार्टी। और मेरी तो फेवरेट आइसक्रीम ये, मतलब ये क्या मतलब ये आइस कैंडी। ठीक है मैं और आइसक्रीम नहीं खाती इस चीज में। तो दीप्ति को मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। सबसे सस्ती ये तो महंगी वाली आ गई, इससे नीचे वाली जो आती है ना 5 रुपए वाली, 5 रुपए वाली। तो गाइस बस जो है आइसक्रीम खाते हैं और मम्मी को सब विश कर लेना हैप्पी बर्थडे। जो भी विश करेंगे उनको थैंक यू सो मच। और कल से वही रूटीन, मंडे है कल, स्कूल जाएगी दीवू तो जल्दी सुलाना है। 10:15 बज चुका है। तो बस यही पे व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप क्या हुआ, आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज है आई होप।